हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के बारे में। ये हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होता है और पाइथन में इसके यूज़ेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले पहले हम समझते हैं कि ये डिक्शनरी होता क्या है। जैसे आप किसी का नंबर अपने जो है मोबाइल फ़ोन में स्टोर करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए आप पहले इसको एक की वैल्यू देते हैं। की वैल्यू मतलब उसका नाम हो गया, और जो नंबर आप स्टोर करते हैं वो उसकी वैल्यू हो गई। तो जब भी आपको उसके नंबर को जो है बाहर निकालना होगा, आप जाएंगे कॉन्टैक्ट और वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाके आप वहाँ पे की वैल्यू जो है डाल देंगे, मतलब जो हमने उसका नाम दिया है, और उसका नंबर बाहर आ जाएगा। डिक्शनरी हमारे पाइथन में एक ऐसा चीज़ है जो की वैल्यू पेयर के साथ चलता है। मतलब हम कुछ भी स्टोर करते हैं उसके साथ एक की रहता है, एक वैल्यू। की मतलब एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन जिसकी मदद से हम उसके अंदर जो भी वैल्यू डालें उसको कहीं से भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन, और यहाँ पे कॉलन देके एप्पल। तो जब भी हम वन टाइप करेंगे ये एप्पल हमारा जो है इसके साथ बाहर आ जाएगा। तो डिक्शनरी को समझने के लिए अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जो है मोबाइल फोन का। अब हम इसका दूसरे की आसान एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे एक क्लास में 20 या 25 बच्चे हैं, और हम चाहते हैं हर बच्चे का नाम उसके जो है सब्जेक्ट स्कोर के साथ जो है सेव किया जाए, तो वहाँ पर हम डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। हम वहाँ पर की वैल्यू पर उसका नाम लिख सकते हैं, और आगे जाके उसके मार्क्स को जो है एज अ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम जब चाहेंगे तो उसके नेम को जो है प्रिंट करके उसके वैल्यू को या फिर उसके मार्क्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स व्हाइल अदर कंपाउंड्स डेटा टाइप हैव ओनली वैल्यूज एंड एलिमेंट्स, अ डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस में अपने एलिमेंट्स को लिखना है, और एलिमेंट्स को लिखने वक्त जो है हमारा जो की वैल्यू होगा, मतलब जो जैसे यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ये की वैल्यू लिखने के लिए कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे इंटीजर हो। हमको फिर कॉलन देना है, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कुछ भी हो। और इसको जो है जैसे स्ट्रिंग हम लिखेंगे तो उसको कोट में लिखा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे 2 की वैल्यू पेयर या फिर 3 4 जितने भी हम डालने चाहें उन सबको हम कॉमा से जो है सेपरेट करेंगे, और हर एक की वैल्यू में की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने आइडल पे। अब हम यहाँ पे एक जो है डिक्शनरी फॉर्म करके देखेंगे। जैसे मैं अपने डिक्शनरी का नाम जो है रख देता हूँ माई इक्वल टू, और यहाँ पे हमको कर्ली ब्रेसेस लेना है, और कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद की को हम ले लेते हैं 1, और कॉलन से सेपरेट करना है की और वैल्यू को। 1 में हम जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं हाई, उसके बाद आगे चलते हैं, और कॉमा से इसको सेपरेट करना था जैसे हमने सीखा था, कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पे हम जो है टाइप कर देंगे बाय, और सॉरी बाय, और यहाँ पे हम आके इंटर कर देंगे। अब मैं अगर यहाँ पे माई को जो है प्रिंट करता हूँ, देखिए हमको यहाँ पे एक डिक्शनरी मिल गई। 1 1 में हाई प्रिंट है, 2 2 में बाय प्रिंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझको ये हाई जो है बाहर निकालना है, या फिर मुझे देखना है कि 1 पे हमारा कौन सा जो है हाई वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर है। तो हम इसको कैसे पता लगाएं, जैसे हम अभी लिस्ट में करते थे सेम सेम, यहाँ पे सिंपल माई, और यहाँ पे सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे इंटर। देखिए यहाँ पे हाई आ चुका है। और जो हमारा डिक्शनरी होता है ये म्यूटेबल भी होता है, हम अगर बाद में चाहें इसमें चेंजेस भी कर सकते। तो जैसे हमारा इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग में जो हमारा जैसे हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते थे 0 1 2 3, वो नंबर तो 0 से स्टार्ट होता था और चलता चला जाता था, तो वो कभी रिपीट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हमारी जो की वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया है, 2 लिया है, ये आगे जाके यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते, तो आगे जाके फिर बना सकता है, तब क्या होगा। तो मैं एक डिक्शनरी पहले ऐसा बना लेता हूँ, मैंने जो है नाम दे देता हूँ माई सेल्फ, और यहाँ पे डिक्शनरी के लिए हमको क्या करना है कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं जो है पहला, अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा, वहाँ पे बच्चे रहेंगे और उनका जो है मार्क्स रहेगा कि वो कितने मार्क्स जो है अपने स्कूल में पा रहे हैं। तो बॉब कितना पा रहा है, हमारा बॉब है 23 समझ लेते हैं, आगे चलते हैं, और दूसरे पे आता है लेम, लेम कितना हमारा मार्क्स पा रहा है 43, आगे चलते हैं, और एक क्लास में 2 बच्चे तो एक नाम से हो ही सकते हैं। अब समझ लेते हैं हमारे पास एक और बच्चा आ गया, उसका भी नाम बॉब ही है, और बॉब जो है कितना पा रहा है, अब यहाँ पे बॉब पा रहा है 45, और यहाँ पे हम इसको इंटर करके रन कर देंगे। मैं यहाँ पे माई सेल्फ लिख दिया जबकि यहाँ पे माई सेल था, एक सेकेंड, माई सेल्फ। देखिए हमको यहाँ पे एक डिक्शनरी मिल चुकी है जहाँ पे बॉब है और लेम है।
लेकिन हमको यहाँ पे देखिए बॉब की वैल्यू 45 मिली है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर हम बॉब की वैल्यू 23 डालें और लेम की वैल्यू 43 डालें हैं, और दोबारा अगर हम बॉब की वैल्यू को 45 डालेंगे, तो ये जो हमारी बॉब की वैल्यू पहली वाली है इसको ये अपडेट हो जाती है, और हमको ये पीछे वाली वैल्यू जो फिर हमको बाद में दिए रहते हैं वो वैल्यू हमको जो है मिल जाती है। तो इसका मतलब हम अपने डिक्शनरी को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। अगर एक नाम जो है दोबारा रिपीट करता है तो वो वैल्यू जो है अपडेट हो जाती है। और अगर हम पता करना चाहते हैं कि इन दोनों बच्चों में से जो है लेम कितना मार्क्स पाया है, जैसे मैं आपको भी बताया था माई सेल, और यहाँ पे हमको सीधा उस बच्चे का नाम जो है लेम यहाँ पे था, तो लेम, और यहाँ पे इंटर कर देना है, 43 आ गया। तो अब हमारे पास एक डिक्शनरी है और हम चाहते हैं कि उस डिक्शनरी में से हमको जो है कुछ एलिमेंट्स अपने की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हमको यहाँ पे इक्वल करना है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट, और हम यहाँ पे एक छोटा सा डिक्शनरी बना लेते हैं अपने लिए, और इस डिक्शनरी में हम कुछ जो है इंटीजर्स या फिर कुछ की वैल्यू पेयर जो है इसमें कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो दूसरा अब इसमें हम जो है जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमको एक इसमें से क्या करना है, की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। ये हमसे गलती से टाइप हो गया अगर किसी डिक्शनरी के अंदर, ये म्यूटेबल होता है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो मैं इस वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, टू वाले को। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा डेल, और जिसको डिलीट करना है वो डी एल ई है, इसका नाम हमने रखा है डी एल ई, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अंदर टू, और सिंपल इसको रन कर देंगे। अब अगर मैं अब यहाँ पे डी एल ई को जो है प्रिंट करूँ, देखिए मुझको सिर्फ वन वाला मिल रहा है, टू वाला हमारा जो है डिलीट हो चुका है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, इसमें आगे आता है इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। जैसे हम इटरेट करते थे लिस्ट में, टपल में, उसी तरीके से हम डिक्शनरी में सिमिलरली जो है इसको भी इटरेट कर सकते हैं, डिक्शनरी को भी। इसमें हम देखिए फॉर लूप इसमें हम लगाएंगे और इसको सिंपली जो है इटरेट कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है स्क्वायर, वन का है 1, 3 का है 9, 5 का है 25, 7 का है 49, 9 का है 81। यहाँ पे हमसे कहा गया कि फॉर आई इन स्क्वायर प्रिंट स्क्वायर आई। तो यहाँ पे इन जितने भी हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं, की वैल्यू पेयर दिए गए हैं, उनका स्क्वायर हमको सिंपल जो है रन करके देना है। जिसी तरीके से हम लिस्ट में करते थे, टपल में करते थे, उसी तरीके से इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी भी होगा। तो आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा अपडेटिंग डिक्शनरी आइटम्स। जैसे मैं आपको बताया कि हमारा जो डिक्शनरी होता है वो म्यूटेबल होता है, हम उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो अपडेटिंग जो है सिंपल सा काम है, अगर हम कुछ डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। कोई अलग जो है किसी का मार्क्स, जैसे मैं आपको बताया था क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनके मार्क्स जो है बाद में अगर रीचेक कर दिए, कुछ दोबारा आ गया और हम प्रोग्राम बना दिए, इसमें मार्क्स हमने दूसरा डाल दिया है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अभी मैं आपको आइडल पे लेके चलता हूँ और करके दिखाता हूँ। तो अभी हम आइडल पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मार्क्स के बारे में। मैं एक डिक्शनरी जो है बनाऊंगा, उसमें क्या रहेगा कि कुछ बच्चे रहेंगे और उनके मार्क्स रहेंगे। जैसे पहला बच्चा है हमारा लेम, तो लेम का कितना मार्क्स था? लेम का जो है 45 था। अब आगे चलते हैं, दूसरा बच्चा हमारा था हर्ष, और इसके कितने मार्क्स थे? एक्सपेक्टेशंस इसकी रहती थी 99 की। और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे आता है बॉब, बॉब के कितने मार्क्स थे? बॉब जो है यहाँ पे हमको, यहाँ पे मैं इक्वल लगा दिया, यहाँ पे हमको इक्वल से नहीं कॉलन से सेपरेट करना था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी गलतियाँ से आपकी जो है पूरी पूरी जो है प्रोग्राम या फिर कोड जो है गलत हो सकता है। तो बॉब का कितना मार्क्स था? बॉब का था 65। यहाँ पे हम इंटर करते हैं और अब हम मार्क्स को जो है यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे डिक्शनरी मिल गई, लेकिन बाद में कॉपी रीचेक हुई, वहाँ पे पता चला कि हर्ष की एक्सपेक्टेशन जो थी 99 की, उसकी मार्क्स 99 नहीं है, उसके मार्क्स आए हैं 33। अब हम देखेंगे कि अब हमको यहाँ पे 33 करना है, उसको अपडेट करना है अपनी डिक्शनरी को, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे मार्क, जो हमने जो है अपने वैल्यू का नाम दिया है डिक्शनरी का, और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, हर्ष, हर्ष का क्या था, हर्ष, और जितना मार्क्स इसको देना है, कितना 33 था ना, हाँ, इंटर। अब मैं यहाँ पे अगर मार्क्स को प्रिंट करूँगा, देखिए यहाँ पे हर्ष 33 पे आ चुका है। अब आपको अपडेटिंग इन डिक्शनरी आइटम समझ में आ चुका है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यू कैन ऑल्सो अपडेट अ डिक्शनरी बाई मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर और बाई मर्जिंग अनदर डिक्शनरी टू एन एग्जिस्टिंग वन। वी कैन एड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब हम आगे चलते हैं डिक्शनरी मेथड्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसका यूज हम डिक्शनरी में कर सकते हैं अपने डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए, और कुछ अगर हमको चेंजेस करने तो उसके लिए। तो क्लियर, इसको तो हम जो है नाम पढ़ के हमको पता चल जा रहा है कि अगर हमको डिक्शनरी में से कुछ जो है डिलीट करना है तो वहाँ पे हम क्लियर का यूज़ करेंगे। क्लियर का यूज़ करते हैं हमारा जो डिक्शनरी रहेगा पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। कॉपी,
कॉपी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है और हम उसको कॉपी कर लेते हैं तो एक हमारे पास दूसरा डिक्शनरी आ जाएगा। तो अब हमारे जो दो डिक्शनरी हैं ये वो एक अलग डिक्शनरी हो गया और जो हमने कॉपी किया वो एक अलग डिक्शनरी हो गया। हम दूसरे में अगर कोई भी चेंजेस करें तो फिर वो पहले वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे हमारा आता है आइटम्स की अपडेट वैल्यूज, इन सबको हम आइडल पे चलते हैं और सबको रन करके देखते हैं कि सब कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लिए एक डिक्शनरी बनाते हैं, ए इक्वल टू करली ब्रेसेस में वन, यहाँ पे करली ब्रेसेस होने चाहिए ए, इसको कॉलन से सेपरेट करना है और इसके अंदर हम 20, 34 लिख सकते हैं जो चाहे वो, टू कॉलन सेपरेट करना है, ये हमारा वैल्यू हो गया, फाइव इसको कॉलन से सेपरेट करना है 34। हमारे पास देखिए एक डिक्शनरी जो है तैयार होकर आ चुका है। अब हम चाहते हैं तो अब हम यहाँ पे पहला मेथड अपना यूज़ करेंगे क्लियर। क्लियर मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हमको इस डिक्शनरी को खाली करना है तो हम वहाँ पे क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम क्लियर मेथड को यूज़ करने के लिए सिंपल टाइप करेंगे ए डॉट क्लियर और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इंटर। अब हम यहाँ पे ई को अगर टाइप करेंगे, देखिए हमारा जो डिक्शनरी था वो खाली हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा कॉपी मेथड देखते हैं, तो कॉपी मेथड कैसे वर्क, अब इसी डिक्शनरी को हम दोबारा यहाँ पे जो है टाइप कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये दोबारा डिक्शनरी आ चुका है, अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं एज अ कॉपी। तो कॉपी करने के लिए तो आपको एक और दूसरे एलिमेंट चाहिए जिसमें हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, इक्वल टू यहाँ पर करके ए डॉट कॉपी और यहाँ पे सिंपल। अब हम यहाँ पे वाई को रन करेंगे, देखिए हमारे पास ए जो था वहाँ वाई के अंदर जो पूरा पूरा डिक्शनरी एक साथ आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसमें आगे चलते हैं, आगे इसमें हमारा आता है की। तो की मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, अब हम एक अपने लिए डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी में हम सिंपल यहाँ पे वन टाइप करेंगे, 23, 2, 24 और फिर यहाँ पे 24 था ना, हाँ, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 45। अब देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी आ चुका है ए नाम से। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं की, तो की मेथड के यूज़ से हमने जो डिक्शनरी बनाया है उसमें हमने जो जो की वर्ड्स यूज़ किए हैं वो हमको पता चल जाएंगे। जैसे हमने इसमें वन को यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है, थ्री का यूज़ किया है, लेकिन हमको यहाँ पे छोटा सा है तो हमको दिख रहा है। अगर हमारा बहुत बड़ा कोई डिक्शनरी रहे और हम सिर्फ उसमें उसमें अपना की जो है ढूंढना चाहें तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ए डॉट और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। ओ यहाँ पे कीज़ था, सॉरी, ए डॉट कीज़ और यहाँ पे हम इसको सिंपल अपना रन कर देंगे। देखिए हमने इसमें जो है तीन जो है की वैल्यू यूज़ की थी, 1, 2, 3 हमको मिल चुका है। इसी तरीके से हमारा जो है वैल्यू होता है, वैल्यू क्या करता है कि हमने जो डिक्शनरी बनाई उसमें जो वैल्यू होता है मतलब ये कॉलन के पीछे वाले जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमको पता चल जाता है। हम यहाँ सिंपल टाइप करेंगे ए डॉट वैल्यूज़ और यहाँ पे कॉलन बंद इंटर, देखिए ये हमको 23, 24, 45 मिल चुका है सिंपल। तो इसके बाद आता है हमारा अपडेट मेथड। अपडेट मेथड हमने पहले भी देखा था, अपडेट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं अपने डिक्शनरी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए। अगर हमको बाद में कोई चेंज करना हो या फिर कुछ अपडेट करना हो तो हम वहाँ पर अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.